अरे जो साष्टांग नमस्कार, जो रॉयल फैमिली पीपल्स जो साष्टांग नमस्कार मैडम के जो कॉर्निंग्स हैं और नरसिम्हा और हिरण्यकश्यप दोनों जो झगड़ा होता है, झगड़ा होने से लोग लास्ट पे देखो नरसिम्हा ने हिरण्यकश्यप को जो संहार किया, उसका जो तीन बराह था, मतलब जो एक आदमी नहीं है एक एनिमल भी नहीं है, तो नरसिम्हा जो विष्णु का चारों का होता है, और रहने के बाद में जो आकाश पे नहीं है जो पत्थर पे नहीं है मिडिल पे एंट्रेंस रहता है ना उसको जो मछली होता है सीढ़ी का ऊपर ऐसे जो उसका जो तीसरा का मतलब वो नीचे भी नहीं है इसका जो ऊपर नरसिम्हा का स्टोरी क्रिएट होता है ये बेबी दिख रहा है कुत्ता दो गया तो ये भी ये एक इंसान है नीचे एक इंसान है ये बेयर जैसा दिखता है ये ऐसा ह्यूमन ह्यूमन क्या है किंग कॉन्ग हाँ वही ऐसे ही बंदर ही हुआ ना उसका बंदर के नहीं ठीक है मैं एक्सप्लेन करूँ देखो तो 5-in-1 है ऐसा ऊपर से देखा जाओ इधर फ्रंट पे खड़ा हो जाओ जो फ्रॉग मंडप फ्रॉग जो वेल को जंप करने देता दिख रहा है ना इधर देखो जो कोबरा ओके ऐसा जो कोबरा का ऐसा क्लोज करने से क्या दिखता है ये हेड दिख रहा है ना नागा शिवलिंगा ओके नागा शिवलिंगा शिवलिंगा ओके एंड इधर देखो बिग मंकी बेबी मंकी ने कैप्चर किया सर ओके और बड़ा जो मंकी है ना बेबी मंकी को दूध दूध पिलाने जैसा जो फीडिंग कर रहे हैं ओके और दो लेग दिख रहे थे लॉन्ग लेग और टेल एंड बॉडी थर्ड वायुपुत्र वायुपुत्र मीन्स हनुमान हनुमान वो फ्लाइंग मारुति ओके लेके फ्लाइंग मारुति एंड ए बॉडी दिख रहा है ना स्नेक ओ जस्ट इमेज बता दिया ये 14 सेंचुरी का इंस्क्रिप्शन ये टेंपल का वॉल प्रॉपर देख सकते हो इधर से उधर तक रीड करने वाला लोग रहेगा अभी भी एक कोर्स है सर 3 इयर्स कोर्स है ओके शासन शास्त्र हमारा जो जो पढ़ाई करते हैं ना उसमें कम से कम एक 2 वीक्स उसके बारे में जो बेसिक क्या क्या है कैसा जो आइडेंटिफाई करना है उसको जो पता है हम आराम से अभी भी पढ़ सकते हैं अगर जो मेंशन किया है चिन्नम्मा देवी एंड राया चिन्नम्मा मतलब रानी का नाम अभी न्यू जो कनाडा ओल्ड कनाडा तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है कम करप्शन करना चाहिए इधर देख सकते हैं हमको जो तेलुगु लैंग्वेज जो पढ़ने के लिए है तो आराम से पढ़ सकते हैं वो जो मिक्स है टोटली जो इंस्क्रिप्शन है ना हम पे का 7500 इंस्क्रिप्शन मिला है हमें 7500 जो इंस्क्रिप्शन इसका बारे में बहुत स्टडी किया है ओके इधर जो लेक्चर्स और विद्वान ये स्पेशल तो हमारा जो विकला टेम्पल का जो गर्भगुड़ी के पास आ गया तो 1994 में इसका जो नया सीलिंग डला है पहला जो देख लिया ना म्यूजिकल किला वैसा ही गिर गया था तो नया वाला डला इसका जो अंतराल अंतराल मतलब जो हम जाके जो नमस्कार करते हैं ना वो पार्ट का अंतराल गर्भगुड़ी जो आइडल रखते हैं ना वो गर्भगुड़ी है गर्भगुड़ी अंतराल विरंग मंडप महामंडप ये
यहाँ पे क्या होता था? इधर लोग पब्लिक लोग आने के लिए टेम्पल की तो इधर पब्लिक इकट्ठा होता है करीब सुबह नहीं दोपहर को 12 बजे के रेंज में और वहाँ पे गाइड मिला हमें संतोष जिनकी मदद जिसका डिटेल आपको नीचे रखेगा एंड उनके साथ हम विठला मंदिर जाके आए और उसके बाद में काफ़ी अच्छा व्यू है उसका वीडियोज रहेगा जो आपको इसके बाद दिखाई देगा एंड उसके बाद भूख लगा था हम लोग पहुँचे पिंक मैंगो रेस्टोरेंट पिंक मैंगो रेस्टोरेंट जो कौन सा ये सामने अपोजिट म्यूजियम है हम्पी में काफ़ी अच्छा हॉस्पिटलिटी है यहाँ पे फूड का टेस्ट एंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा था ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर था टोटल है चंदन का महल सैंडलवुड महल अच्छा इसके ऊपर जो आपने बताया था अभी फोटो दिखाया था वो पैलेस था ओके ये सर है इधर तिरुमला देवी रुकने के लिए इसका जो वॉच टावर उधर है देखो ओके स्क्वायर में दिख रहा है ना हां हां उधर जो वॉच टावर था इधर तो वॉच करने के लिए ट्रांसजेंडर हम लोग आके इधर वॉच करते थे उन लोगों का हाथ में जो गन बैरल था बैरल गन्स था वो जमाने वो ये सैंडलवुड वगैरह कहां गए सर वो सर जला दिया था फाउंडेशन एक है उसके लिए वो टेम्पर जो वो स्टोन का जो टेम्पर देखो मतलब जो क्रैक क्रैक आ गया ना जो फायर होने के बाद में ये उसका जो क्वालिटी कम हो जाएगा तो उसके लिए वो छोटा 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 क्रैक आ गया देखो ठीक है फाउंडेशन और होने के बाद में इधर वेरी स्पेशल महल है देखो ये फाउंडेशन मिडिल से जो स्विमिंग पूल वाला जो वॉल जो वहाँ पानी था वाटर था पहले जमाने जो चिन्नम्मा देवी थी ना वो चिन्नम्मा देवी चेंग एरिया दोनों रानी बगल में थी आजू बाजू में आजू बाजू पे और होने के बाद में दोनों रानी का जो ज्वेलरी कपड़ा रखने के लिए उधर वो है ना खजाना रूम में अभी तो गैलरी हो गए घर को मेला रहे सो छोटा छोटा जो इम्पोर्टेंस माइक्रो कार्विंग्स रहता है वो इसके अंदर ही तो खजाना मिला नहीं सर कुछ भी नहीं मिला इसका इतना सब डिग किया उसमें से गोल्ड का कुछ गोल्ड कॉइंस मिला ना गोल्ड कॉइंस के अलावा ऐसा कुछ ज्वेलरी टाइप हो गया नहीं नहीं गोल्ड कॉइंस भी एक करके तो नहीं मिला होगा ना ज़्यादा मिला था ज़्यादा मिला है तो मेन ब्रांच रहता है ना उधर उधर करता है नहीं तो इधर जो विजिटर्स को दिखाने के लिए थोड़ा सा और होने के बाद में इधर वेरी स्पेशल है देखो ये लोटस महल है चलो ये दो राजा इधर से 100 मीटर डिस्टेंस में जो पैलेस एरिया है राजा का राजा जो इधर रानी कांतापुर को विजिट कराया था उसका जो 4 बेडरूम है वो जो उनका राजा और रानी का प्राइवेसी के लिए बनाए हुए थे चेहरा मिडिल पे जो दिख रहा है ना वो हिंदू का तो कॉर्नर पे 3 दिख रहा है ना वो जैना जैन जो बसदी रहता है ना बाइक बसदी के ऊपर ऐसा जो स्ट्रक्चर का शिखर रहता है और उन्होंने के बाद में 13 जो विंडोज है इसके अंदर 13 विंडोज इस्लामिक इस्लामिक जो और दिख रहा है ना नीचे वो डांसिंग करने के लिए जो आउटसाइड एंट्रेंस इनसाइड एंट्रेंस दो एंट्रेंस देख सकते हैं इसको ऊपर जाने के लिए जो टोटल बिल्डिंग इधर से जो और सब देखने के लिए लोटस क्लस्टर फ्लावर स्ट्रक्चर पर बना हुआ है इधर और एक नाम है इसका चित्रांगिनी महल चित्रांगिनी से कैबे डांस वो जमाने का वो राजा क्या करता तो उधर बैठ जाता उसका जो ऐसे जो कॉलम कॉलम और है ना वहाँ के जो डांस करती थी वो देखने के लिए राजा इधर तक आता था तो चित्रांगिनी का डांस देखने के लिए उसके लिए लोग इसको चित्रांगिनी महल बहुत फेमस हो गया और एक नाम है एयर कंडीशन हॉल
एयर कंडीशनर में जो उसके बाजू में एक वेल है, जो वेल का पानी लेके जो आउटसाइड एंट्रेंस दिख रहा है ना, वो एंट्रेंस ऊपर जाके जो मिडिल पे एक 25 लीटर कैपेसिटी का जो टैंक है, वो टैंक के टोटल 6 मड पाइप्स फिट किया है। वो मड पाइप से जो पानी आके जो स्प्रिंकलर जैसा जो आर्च को गिरता था, वो आर्च क्या होता था, जो कॉर्नर पे जो कर्टन बांधते थे पर्दा, जो पर्दा के ऊपर जो पानी गिरने से जो जो हवा है ना इसका अंदर जाके जो एसी जैसा यूज होता है, उसके लिए नेचुरल जो एसी, तो जो पुराना जमा का जो एयर कंडीशन आ रहा है, तो दो तीन नाम से बहुत, तो 15 सेंचुरी पे बना हुए थे। फाउंडेशन दिख रहा है ना, 43 सैंडलवुड बिल्डिंग, सैंडलवुड बिल्डिंग और उनके बाद में यही है क्या जो जलाया राजे का पैलेस एरिया और रॉयल एनक्लोजर एरिया, ये सारे जो जलाया और उन्हें कब इधर जो स्टेयर के जैसे दिख रहे हैं ना उधर देखो, वो राजा उधर ऊपर बैठ के जो राज पंचायत देता था जजमेंटिंग प्लेस वो बड़ा, तो लोग उधर नीचे बैठने के लिए, और नीम ट्री का अंदर जो पनिशमेंटिंग पिलर है आते हुआ तो उसको दिखाता हूँ। उन्हें कब राजा और मंत्री जो कमांडर तीनों आते हैं, जो सीक्रेट कहते हुए डिस्कस करना है, सीक्रेट बात करना है तो इसका अंदर जाते थे, इसके अंदर जाके जो डिस्कस करके वापस आते थे। इसके लिए इसका सीक्रेट चैम्बर है, सीक्रेट चैम्बर टोटल इज मेड ब्लैक स्टोन, ब्लैक ग्रैनाइट स्टोन है। इसके अंदर चार पिलर्स था, ये इसके ऊपर एक रूफ था, वो सारे गिर गया 1978 में एक्सकवेशन कर रहे थे। बहुत बड़ा अच्छा यही है ना, तुम खुद जाए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है आपको। देखो ये पबजी गेम जैसा सब जो दूसरे जो किंग का है तो उसके जो समाज में होना है कि नहीं होना है सीक्रेट रूम जो गुप्ता समाचार बात करने के लिए यूज होता है। इसके अंदर जो राजा और मंत्री और कमांडर तीन आदमी आते हैं, तो एक ही एंट्रेंस, ये पहले कवर था क्या, पूरे कवर था ऐसे मेरे वाटर टैंक है जिसके लिए ये देखो ऐसे जो सीलिंग है ना सेम फुल कवर था ओके, और वाटर टैंक कवर के लिए इधर चार पिलर्स पॉइंट है ओके चलेंगे। ये सब आईसी रखा हुआ है ना इसके ऊपर? हां सर। अच्छा ये अभी भी एक्सकेवेट कर ही रहे हैं क्या? नहीं हो गया मैंने ये इतना हो गया। ब्लैक ग्रेनाइट ये इसको जो वरंगल और कड़प आंध्र प्रदेश जो कड़प है ना कड़प से लेते हैं सर, तो कड़प स्टोन इज वेरी फेमस कड़प स्पेशली। इसके अंदर जो ये दिख रहा है ना ब्लैक ग्रेनाइट का अंदर जो आयरन कंटेंट ज़्यादा रहता है, इसके लिए इसका अंदर बेल का आवाज़ निकलती है, देखो फुल बेल आवाज। ऐसा जो बहुमनी सुल्तान लोग आते हैं ना उसको जो समझ में नहीं था इसके अंदर जो सोना चांदी छुपा रखा बोल के उन लोग आके ऐसा जो काट के ट्रंक काटते हैं, बट ओरिजिनलिटी इसके अंदर आयरन काटते हैं। और उनका बंद में जो डाइनिंग प्लेट्स आया था उसका भी बहुत अच्छे से बेल साउंड आता है। नहीं होता
बड़ा जो ऑडिटोरियम जो म्यूजिकल कॉम्पिटिशन म्यूजिकल ये विजयनगर दसरा होता था फेस्टिवल वो फेस्टिवल दसरा फेस्टिवल उधर जो प्लेटफॉर्म दिख रहा है ना 8 meter height 80x80 है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो और एक स्ट्रक्चर था वुडन का स्ट्रक्चर अभी वो ग्राफिक इमेजेस में दिखा रहे हैं वो वाला उसका जो मदर ऑफ कर्नाटक भुवनेश्वरी स्टैचू और चामुंडेश्वरी जो दो आइडल उसका रखे पूजा होता था उसके लिए नवरात्रि उत्सव बोलते हैं नवरात्रि मीन्स 9 days फेस्टिवल दसरा दीपावस 10 days का जो विजयदशमी होता है ना वो दोनों फेस्टिवल इधर ही होता था अभी जो मैसूर में सेलिब्रेट हो रहा है मैसूर में सेलिब्रेट हो रहा है ना जो ओरिजिनल प्रॉपर प्लेस ये वाला रॉयल फैमिली लोग जाने के लिए सीक्रेट एंट्रेंस है बैक साइड से पब्लिक लोग जाने के लिए और सैनिक लोग जाने के लिए वो वाला तो दो डिफरेंट स्टोन देख सकते हो ब्लैक ग्रेनाइट और उनका भाई मेटामॉर्फिक रॉक ओके ये वाला उधर जो कल्चरल एक्टिविटीज़ जो फेस्टिवल समय में कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए ये ऑडिटोरियम जैसा यूज़ करते थे हम लोग इधर देख सकते हैं म्यूजिशियंस पुतूरी ढोलक कमसाले मृदंग भरतनाट्यम और एक बार ढोलक देख सकते हैं स्पेशली इधर देखो भरतनाट्यम विथ कोलाटा साउथ इंडियन ट्रेडिशनल है वाला देख लिया और स्पेशली इधर देख सकते हैं ये माइक्रो कार्विंग्स है माइक्रो कार्विंग से दो लेडी ने ऐसा जो हंटिंग किया सब वाइल्ड बोर और डीर जंगल कैट जंगल कैट देख सकते हैं इधर देखो बॉन्ड यार उसे हंटिंग करने के कारण से चलो तो हंटिंग होने के बाद में लिफ्टिंग लिफ्ट करके कैरी करने का प्लेट्स हैं इधर से 1 kilometer डिस्टेंस पे तो वॉल है फोर्थ वॉल क्रॉस करें तो बाजू में जो भोजनशाला है भोजनशाला में जो पास में ऐसा जो कैनल किया है कैनल का बाजू में सेम स्टोन प्लेट्स उधर मोर देन 70 plates हैं बोथ साइड ऐसे जो 70 plates में 5 plate इधर तक लेके गया मतलब जो बहुत विजिटर्स आते हैं ना उधर देखने के लिए नहीं जाते हैं उसके लिए इधर लेके गया फिर देखो उस समय पर राजा जो चीज़ सोच के बना हुए सब मतलब जो खाना खाते हैं ना खाना खाने से जो आयरन एनर्जी चाहिए बॉडी के लिए मतलब ऑटोमेटिकली जो ये प्लेट में खाए तो ऑटोमेटिक आ जाएगा इसके लिए इसके अंदर जो आयरन का कंटेंट ज़्यादा है इस वजह से अभी इसके अंदर जो बेल कवर्स निकलते हैं स्कूल बेल कवर्स ये क्या कड़प्पा है क्या ये कड़प्पा ब्लैक ग्रेनाइट से देखो यही था ना जिसमें फोटो में ये पूरा ढका हुआ था ये वाला जो 15th century पे राजा दोनों वाइफ थी ना चिन्नम्मा देवी और तिरुमला देवी तो दोनों प्रिंस आने का इधर फ्रंट में एक टेंपल था लक्ष्मी टेंपल और फाउंडेशन दिख रहा है ना और साइड पे जो कॉलम्स दिख रहे जो था सैंडलवुड पिलर फिट करने के हाय ये आज का हमारा हम्पी का सफ़र यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ है अब आज के लिए कल के लिए अब 2-3 लोकेशन बचा हुआ है यहाँ पे हमको जो गाइड किया संतोष भाई इनका बहुत अच्छा नॉलेज है यहाँ पे और रजिस्टर्ड गाइड है यहाँ पे तो आप इनका सर्विस ले सकते हैं इनको फ़ोन करना पड़ता आने के पहले वरना फिर आपको आके वेट करना पड़ेगा इनका मोबाइल नंबर आप ही दे दीजिए मेरा नंबर है 9483866198 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है ये भी मेरा व्हाट्सएप पेज भी बता दे व्हाट्सएप नंबर है स्पेशल मेरा फेसबुक पेज का संतोष हम्पी ओके संतोष हम्पी करके आप फेसबुक पे सर्च करोगे तो आप इनको फाइंड करेंगे इनको कॉल करना अच्छा नॉलेज है और आपको डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा ओके और एक स्पेशल है आपका जो इधर हम्पी का वाइल्ड लाइफ का बारे में हम मैं एक्सप्लोर करता हूँ बर्ड वॉचिंग और ट्रैकिंग एडवेंचर ऐसा वाला भी ऑप्शन है आपके लिए उसके लिए भी ये रजिस्टर्ड है ओके थैंक यू वेलकम सर बाय